हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी हुआ है। परमानेंट पोस्ट रहने वाली है, सैलरी के साथ में आप लोगों को यहां पर प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेजुइटी। ग्रेजुइटी का अर्थ क्या होता है कि जो एम्प्लॉय को रिवॉर्ड के रूप में दिया जाता है, यानी सैलरी के साथ में आप लोगों को और भी सुविधाएं दी जा रही हैं। मेन वेबसाइट पर आप लोगों को मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म और साथ में विज्ञापन भी मिलेगा। इसके साथ साथ जो है न्यूज़पेपर में भी जो है इसे पब्लिश किया गया है। लोक शिक्षा समिति की तरफ से जो है ये वैकेंसी आई है। विदाउट सी टेट या स्टेट टेट आप लोग यहां पर आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले भी वैकेंसी आई थी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से, आप लोगों को बताई गई थी। मेन वेबसाइट पर रिजल्ट भी जारी हो चुका है, ठीक है। अब जो ये नई वैकेंसी आई है, तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। मेन वेबसाइट पर जैसे ही हम आते हैं तो सूचना पट पे आप लोगों को पिछला आचार्य चयन परीक्षा द्वितीय चरण 2023 के मौखिक परीक्षा परिणाम की द्वितीय सूची जारी हो चुकी है, तो आप लोग देख सकते हैं जिन भी स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था, ठीक है। उसके बाद अब नए विज्ञापन के लिए आपको क्या करना होगा, मेन वेबसाइट पर जो है करियर सेक्शन आप लोगों को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं 27 नवंबर 2023, बिल्कुल नया विज्ञापन है। 26 नवंबर को ये न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर दिया गया है। आचार्य चयन परीक्षा 2023 ये फेज 3 है, इससे पहले फेज 2 था। क्लास 11 से 12th को पढ़ाने के लिए टीचर्स यहाँ पर चाहिए और बहुत अच्छी वैकेंसी है। इससे पहले क्लास 6 to 8 and 9 to 10 इसके रिजल्ट भी जो है जारी हो चुके हैं। बिल्कुल आप लोगों को इस चैनल पर जो है सभी जानकारी मिलती है जैसे ही वैकेंसी जारी की जाती है। नीचे आप आएंगे तो आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर सब्जेक्ट दिखाई देंगे आप लोगों को। मैं आप लोगों को हिंदी में दिखाऊंगी जो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया है, ताकि सभी को समझ में आ सके। लोक शिक्षा समिति बिहार आवश्यकता, उत्तर बिहार में चल रहे सरस्वती विद्या मंदिर प्लस टू स्तरीय आचार्यों की आवश्यकता है। अंग्रेजी 2 वैकेंसी, भौतिकी 2 वैकेंसी, गणित की 2 वैकेंसी, रसायन की 2 वैकेंसी, BST 1 वैकेंसी, जीव विज्ञान 3 वैकेंसी, अर्थशास्त्र की 1 है, अकाउंट की 2 है। तो जिन्होंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिया है बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। यदि BEd आपके पास है और भी अच्छी बात है। यदि किसी के पास एसटेट या किसी भी राज्य का टेट या सीटेट है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी और इनके बिना भी आप लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। मानदेय यानी वेतन आप लोगों को क्या मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया आपकी सैलरी 50,000 से भी अधिक होने वाली है, ठीक है। उम्र सीमा 21 न्यूनतम है और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए 31 दिसंबर 2023 के अनुसार। आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 9 दिसंबर 2023 है। लिखित परीक्षा होगी, मौखिक परीक्षा होगी 11 दिसंबर 2023 को, एक ही दिन होगी और आप लोगों को एक ही दिन इस परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा, महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर विजयहाता सीवान। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप लोग मेन वेबसाइट पर चले आएं, यहाँ पर करियर सेक्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही करियर सेक्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा, ठीक है। आचार्य चयन परीक्षा 2023 11 12 को पढ़ाने के लिए हिंदी में आप लोगों को विज्ञापन बता ही दिया है, इंग्लिश में यहाँ पर है जिनको भी इंग्लिश में देखना है। तो फीस जो है यहाँ पर लगेगी आपकी 300 रुपीज। पब्लिश डेट बिल्कुल फ्रेश एडवर्टीजमेंट है, तो 26/11/2023 को 9 दिसंबर तक जो है आवेदन आप लोगों के चलने वाले हैं। अब किसी भी जो है सब्जेक्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश से किया है बिल्कुल अप्लाई कर दें। यहाँ पर BEd या फिर हायर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो भी आप करें। अप्लाई पर जो है क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग बहुत ही सिंपल फॉर्म है, बहुत ही साधारण है, आप लोग आराम से जो है इसे फिल कर पाएंगे। और लास्ट में सबमिट का ऑप्शन होगा, सबमिट कर देना है। और ये देखिए सबमिट कर देना है। और जो आप लोगों को ईमेल एड्रेस आप लोगों को अभी बताया था, सबसे ऊपर आपको दिखेगा, ये देखिए मेन वेबसाइट का लिंक आपको ये दिख रहा है और ईमेल एड्रेस आपको यहाँ दिख रहा है lokshiksha@gmail.com, ठीक है। इस पर आप लोगों को भेज देना है, बस इतना ही करना है। इससे पहले जो जिन भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था और इंटरव्यू हुआ, क्योंकि एक ही दिन हो गया ये सारी चीज़ें द्वितीय चरण का जो हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग अपनी जो है सूची देख सकते हैं। डाउनलोड अटैचमेंट, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। ऐसी ही वैकेंसी के लिए बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है अभी तक, बेल बटन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आती है बिल्कुल आप लोगों को बताई जाती है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।